तस्करे के तहत अर्ज गुजार हूँ। कुछ ऐसी बातें जो हजरत अमीर अबू लला के वाकयात से मिलते जुलते हैं और इस वाकये का ताल्लुक बराह रास्त सैयदना महबूब जल्ल वाला से है। आज के दौर में, इस पुर आशोर दौर में, तजब्जुब का दौर है, हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है, इंसानियत, तहजीब, तमद्दुन, शराफत, नजाबत, इन तमाम तर चीज़ों का कहीं कोई फिक्र नहीं है। हर तरफ जबर है, जुल्म है, शिद्दत है, लेकिन रहम, इंसानियत, मारफत, मिल्लाहियत, फ़क्र, दरवेशी, कनाअत, बुजुर्गी किस चीज़ को कहते हैं? ज़रा हजरत के वाक़े से अंदाज़ा लगाइए। बड़ा आम वाक़या है, लेकिन आशिक अगर इनसे मोहब्बत रखता है तो उस एक झलक को पकड़ने के बाद इस वाक़े से अंदाज़ा लगा सकता है कि हजरत की सारे वाला कैसी मुत्तसिफ थी, किस किस कदर औसाफ भरे थे, किस किस कदर कमालात भरे थे, ऊंचे मकाम पर थे, बुलंद मकाम पर थे, कमालात ऐसे थे, तसर्रुफात ऐसे थे, करामात ऐसे थे कि मुआसिर मशाइख, उस जमाने के मशाइख भी आपको देख करके आपके सिलसिले की चाहत में आते थे। जरा देखिए सिलसिले नक्शबंदिया अबू ललैया है, लेकिन वाजे हो कि ये जो सिलसिले नक्शबंदिया है, हिंदुस्तान में इसकी तरवीज और इशारत ख्वाजा याकूब मौलाना चरखी रहमतुल्लाह तआला अलैह के जरिए से सबसे ज्यादा हुआ। लेकिन हिंदुस्तान में ये सिलसिला दो वास्तों से आया, एक नक्शबंदिया अबुल उलैया, जिसके मुअस्सिस, जिसके रूहे रवा, जिसके बानी हजरत की जात है, और दूसरा ये सिलसिला नक्शबंदिया मुजद्दिदिया, जिसके बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी हुए। लेकिन क्या ये दोनों सिलसिले में जाहिर और बातिन का फर्क था? इल्म और अमल की शनाख्तगी थी? गौर कीजिएगा, मीर नौमान नक्शबंदी मुजद्दिदी, बगल में आपका आस्ताना है, मुजद्दिदिया सिलसिले से वाबस्ता है, बाकी बिल्लाह दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुरीद हैं और मुजद्दिद अल-फ़सानी की खिलाफत याफ्ता है। जमाना एक है, उस जमाने में आगरे को अकबराबाद कहते थे, चूंकि मीर नौमान जो थे बड़े आलिम, बड़े फासिल, हर जगह उनके इल्म के चर्चे थे। इल्म की जहां बात आती थी तो जुबान पर फौरन मीर नौमान का नाम आता था। हर लोग इल्म की शनाख्त मीर नौमान को जानते थे, इल्म का मेयार, इल्म का स्टेटस मीर नौमान को जाना जाता था। क्यों? क्योंकि अकबराबाद के काजी के ओहदे पर मीर नौमान विराजमान थे, काजी शहर थे, काजी शहर अकबराबाद थे मीर नौमान मुजद्दिदी रहमतुल्लाह ताला अलैह। लेकिन जाहिर सी बात है, जो इल्म जाहिर होता है वो इल्म बातिनी से ज्यादा नहीं होता, क्योंकि इल्म जाहिर को हासिल करने के बाद इल्म बातिनी के अलिफ से वाकफियत होती है ना? बिल्कुल मुत्तफ़क, सारे के सारे लोग का इस बात पे इत्तेफाक है, इजमा है। मीर नौमान का जवानी का जमाना है, उनवाने शबाब में मीर नौमान ने अपने इल्म के और अपने शनाख्तगी से हर लोगों के दिल को जीता, सारे के सारे लोगों के मुंह को मोह लिया। जौ हरी बाजार आज भी आगरे में फेमस है, मशहूर है जौ हरी बाजार, मीर नौमान का दौलत खाना तो वहीं पे था। जो हरी बाजार में कुछ ऐसे नन मुस्लिम बच्चे, कुछ ऐसे बच्चे जिनका इस्लाम से ताल्लुक नहीं था, वो मुसलमान नहीं थे, वो कलमा गो नहीं थे, किसी दूसरे मजहब से वाबस्ता थे। देखिए सूफी की तालीम क्या होती है,
मीर नौमान ने जब देखा कि अब तो अकबराबाद में मेरे चर्चे हैं, मेरी शोहरत है, मेरी आजमाई है, इलम के दावे हैं, हर जगह मेरा ही नाम है, रसूख मेरे हैं, पहचानने वाले मेरे हैं, जानने वाले मेरे हैं, सारा का सारा शहर हमारा मोतकिद है, अगर इलम पर कोई बात आती है तो इस्तिफ्ता लेकर के मीर नौमान के बारगाह में आया जाता है। मीर नौमान ने जब देखा कि ताल्लुकात हैं, रवाबित हैं, सवाबित है, सारी की सारी चीजें हैं, तो अपने रसूख के जरिए से गौर कीजिएगा, सिर्फ एक नजर में किसी इंसान को कहां से कहां पहुंचा देता है, उसके लिए बस एक नजर काफी है, और अगर वो नजर इश्क है तो सुभान अल्लाह। मीर नौमान ने सोचा कि जब रसूख है, ताल्लुकात है, इल्म है, सब कुछ है, अकबराबाद में मेरी शोहरत है, आगरा के सारे लोग हमें पहचानते हैं, सारा का सारा शहर हमसे वाकिफ है, जौहरी बाजार के कुछ बच्चों को आपने जबरन तशद्दुदन मुसलमान किया, हो गई बात। लेकिन आप जानते हैं कि किसी को जबरन अगर किसी धर्म की तरफ लाया जाए तो उसके साथ किस किस हाल का व्यवहार हो सकता है, क्योंकि मीर नौमान जो थे उस जमाने में उनवाने शबाब में जवानी के आलम में इल्म जाहिर से तो आरास्ता और पैरास्ता थे, लेकिन इल्म बातिनी कमालात, इरफानियात, जमालात से आरास्ता नहीं थे। चंद बच्चों को आपने मुसलमान बना दिया, आपके मुरीद थे मुल्ला वली मोहम्मद अकबर आबादी, वो हैं मुल्ला वली मोहम्मद जो मसनवी मौलाना रोम के शारे हैं, इनके इल्म का अंदाजा आप लगा सकते हैं। मुल्ला वली मोहम्मद जो थे वो हजरत के मुरीदों मजाज थे, खलीफा थे, और कहते हैं कि ये खलीफा आजम थे। मुल्ला वली मोहम्मद ने कहा, हजरत आपकी बारगाह में एक बार अर्ज करूं, बोला जाए। मुल्ला वली मोहम्मद ने कहा कि कल मीर नौमान ने जो हरी बाजार के कुछ बच्चों को जबरन मुसलमान किया है, और कीजिएगा, हर शख्स को मुखातिब करके कह रहे हैं। अल्लाह वली मोहम्मद ने कहा, हजरत अमीर अबुल्ला, जबरन उन्हें मुसलमान किया गया, आप इस जुबान से बेसाख्ता ये अल्फाज निकल गए कि वली मोहम्मद मुसलमान करने के लिए जबर की क्या जरूरत है। देखिए वली का जुमला, मुसलमान करने के लिए जबर की क्या जरूरत, तशद्दुद की क्या जरूरत, कोई और तरीका भी तो था, ऐसे काम नहीं होता है, इस्लाम ऐसे नहीं फैलता है। चूंकि उस जमाने में भी बाज ऐसे लोग थे, मैं एकदम हूबहू रिवायत को बयान कर रहा हूं, मिन वान लफ्ज़ मलफ़ सुनिए जरा, बाज उस दौर में कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने हजरत के उसी जुमले को कुछ लौंग और मिर्च लगा करके मीर नौमान की बारगाह में पहुंचा दिया कि हजरत अमीर अबुल्ला जो हैं, जो साहेब तसल्लुफात हैं, बातनी का इल्म रखते हैं, समा महफिले बिल मजामीन सुनते हैं, वो तो आपके बारे में ऐसा गुमान रखते हैं, ये ख्याल रखते हैं, और कह रहे थे कि उन्हें जबर की क्या जरूरत। मीर नौमान ने सुना तो अच्छा, इल्म का दबदबा था, तनतने मशीयत थी, कहा कि अच्छा ठीक है, कल सुबह अमीर अबुल्ला को कहना कि मेरे बारगाह में आए, जहां हम बैठते हैं वहां उनको आना होगा। आज बात आप तक पहुंचाई गई, हजरत ने सुना ठीक है, कब जाना है, कल जाना है, कल सुबह को जाना है फजर की नमाज के बाद। हजरत ने कहा ठीक है चलो। तो जो ये जो जाने का जो उस जमाने में रास्ता था, मीर नौमान के इस्तेफ़ा, मीर नौमान जहाँ रहते थे दारुल इफ्ता में, वो रास्ता जो हरी बाजार वो करके ही जाया जाता था। और दूसरेगा हजरत अमीर अबुल्ला अपने मुरीदों के साथ गए,
कदम पे कदम बढ़ रहा है आगे आगे, जब जौहरी बाजार पहुंचते हैं, हजरत पर कैफियत वारी हुई, एन जौहरी बाजार में हजरत पर कैफियत वारी हुई, और उस कैफियत के आलम में हजरत ने इस कदर रुमूस और इसरार की बातें फरमाई, इस कदर भेद और की बातें फरमाई कि लोगों ने सुना, सुनने के बाद उनका जाहिरी इल्म जो है वो साइड हो गया। उसके बाद देखिए साहेब, कमाल किसको कहते हैं, तसर्रुफात किसको कहते हैं, जलवा सामानी किसको कहते हैं, किसी के शख्सियत का अंदाजा लगाना किसको कहते हैं। हजरत ने जब कैफियत किया और नारे तकबीर की सदा बुलंद की, तो अल्लाहु अकबर कहने वाले जौहरी बाजार के जितने भी खैर मुस्लिम थे, उन्होंने कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, और एक गूंज की सदाएं बुलंद होने लगी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हजरत को खबर नहीं कि कौन मेरे कलमे का जवाब दे रहा, वो तो वही है, अपनी कैफियत में मस्त है, बाधे अलस्त है, उसे क्या खबर के पीछे क्या हो रहा है, बस वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, उसे नहीं मालूम के पीछे कौन है। अभी जो हम अपनी खानकाह से निकले थे, मेरे साथ तो दो तीन मुरीद ही थे, लेकिन नहीं मालूम कि आज जो मेरे पीछे है, सारा जौहरी बाजार तो मेरे पीछे पीछे आ रहा है। अब देखिए जरा, हजरत अमीन अबुल्लाह दारुल इफ्ता मीर नौमान की बारगाह में पहुंचते हैं, और पहुंचने के बाद कहते हैं कि लो बंदा हाजिर है। मीर नौमान ने जब आपको देखा, तो देखने के बाद कहा कि अच्छा हुजूर आप यहाँ आ गए, और अपने साथ तो आप सारा जौहरी बाजार उठा करके ले आए, और सब के सब तो अल्लाह अकबर की सजाएं बुलंद कर रहे हैं, ये क्या मामला है। हजरत ने कहा तुम्हें दिखाना था कि किसी और तरीके से भी मुसलमान किया जा सकता है, इंसानियत होनी चाहिए, लिल्लाहियत होनी चाहिए, फख्र होना चाहिए, दिल साफ होना चाहिए। किसी कहने वाले ने कहा है साहब कि न कोई दिल में लाता है, न कोई दिल से मिलता है, न कोई दिल में लाता है, न कोई दिल से मिलता है। किसी ने सच कहा है, दिल बड़ी मुश्किल से मिलता है, इन वलियों ने दिल नहीं लाया, इन्होंने नफरतों के बोझ नहीं दिए। हजरत अमीर अबुल्लाह की शख्सियत आज ताजमहल पर भारी है, इसीलिए उसी जमाने में इनको सरताज आगरा कहा गया था, क्योंकि ताज नहीं बल्कि सरताज है ये। इनकी शख्सियत आगरा में कुतुब की हैसियत रखती है, अगर विलायत को बांटा जाता है, अगर विलायत को दिया जाता है, हजरत की इजाजत से दी जाती है, आगरा की विलायत ता कयामत हजरत के हाथों है, हजरत के आस्थाने में है। किसी ने कहा था, हजरत का ये पैगाम है, मैं एक बात और कहता हूँ, दिल वाले जो होंगे, इश्क वाले जो होंगे, वो इस बात को उछालेंगे। हजरत ने या सूफियों ने गुनाह से नफरत किया है, सूफियों ने गुनाह से नफरत किया है, गुनहगार से नहीं किया है, सूफियों ने गुनाह से किया है, गुनहगार से नहीं किया है। और यही वजह है कि इस बारगाह में हर मजहब के लोग आते हैं, यहाँ हिंदू भी आता है, मुस्लिम भी आता है, सिख भी आता है, ईसाई भी आता है, हर धर्म से वाबिस्ता लोग यहाँ आते हैं। और जब कोई यहाँ अकीदत से आता है, और जब कोई यहाँ अकीदत से आता है, तो उसे सैयदना दोस्त मोहम्मद बना दिया जाता है, और जब कहा यहाँ कोई बड़े अकीदत से आता है, तो उसे उसी जमाने में ख्वाजा फरहाद दहलवी बना दिया जाता है, और जब यहाँ कोई उसी अकीदत से आता है, तो उसे उसी जमाने में शाह अकबर दानापुरी बना दिया जाता है, और जब कोई यहाँ उसी अकीदत से आता है, तो इसी बारगाह में उसे ख्वाजा हसन रामपुरी बना दिया जाता है। यही बारगाह है जहाँ सारे के सारे वलियों को विलायत मिली है, इस बारगाह ने सबको दिया है, हर एक को दिया है, हर एक को फैजयाब किया है। कहते हैं ना, शाह मोहसिन दानापुरी ने कहा है इस खानकाह के मुताबिक
इस आमाजगाह के मुताबिक, इस दरगाह के मुताबिक कि ये मैं परस्तों का मैं कहता है। और कीजिएगा, थाम लीजिएगा इस शेर को, ये मैं परस्तों का मैं कदा है, ये खान काहे अबुल औला है, कोई कदह नोश छूटा है तो कोई बेखुद पड़ा हुआ है। हर तरफ कैफियत है, हर तरफ वजह है, और जब यहाँ के लोग इस विलायत के मरतबे पर पहुंच करके हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी कायनात में विलायत को आम कर रहे हैं तो शायद उनका वजीफा क्या होगा? उनका वजीफा यही होगा कि यही वजीफा है आशिकों का कि हम फकीरों की ये सदा है, यही वजीफा है आशिकों का कि हम फकीरों की ये सदा है कि रह खुशाए दुआलम अकबर, हमारा प्यारा अबुल औला है, हमारा प्यारा अबुल औला है। और जब कोई अबुल औलाई कैफियत से मामूल हो जाता है ना साहब, तो वो ये भी कहने को राजी हो जाता है कि अबुल औलाई है अपना मशरक, और कीजिएगा अबुल औलाई है अपना मशरक, यही है अकबर हमारा मजहब। असल के दिन से न इस दिल पर कोई आया है और न कोई आएगा। तो विलायत को वलियों ने आम किया, हजरत के साथ को देखिए जरा किस कदर विलायत को आम किया है। और मैं ये बात आपको बता दूं, कभी भी किसी वली से किसी दूसरे वली का कोई इख्तलाफ नहीं रहा है, तनाजुआत नहीं रहा है, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं रहा है, उनमें हमेशा उनमें हर जगह मोहब्बत रही है, उनमें हर जगह उनसियत रही है, उनमें हर जगह कुबियत रही है। आपको मैं एक बात और चलता बता दूं कि ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह और ख्वाजा बाबा बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी, और कीजिएगा एक निजाम जो है वो चिश्ती है ना, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया सिलसिले चिश्तिया के बुजुर्ग हैं और बाबा बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी सिलसिले सुहर वर्दिया के बुजुर्ग हैं। अब देखिए जरा एक वली दूसरे वली की विलायत को जाहिर कर रहा है और अपनी शख्सियत को छुपा रहा है, हम तो कुछ भी नहीं, जाओ वहां दो फैज वहां मिल रहा है, हम तो कुछ भी नहीं। अब देखिए एक मुरीद था फवायदुल फवाद की रिवायत को के सामने बयान कर रहे हैं, देखिए इस बात का अंदाजा लगाया जाए कि हम आज किस तरीके से अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की फवायदुल फवाद ने ये बात लिखी है, एक मुरीद आया और गया बाबा बहाउद्दीन ज़करिया की खानकाह, कहाँ मुल्तान गया खानकाह में, मुल्तान जाने के बाद उसने बाबा बहाउद्दीन की खानकाह में गया और बैठा, काफ़ी देर हुआ, काफ़ी देर तक बैठा रहा बल्कि कई रोज उसका जो है वो बाबा बहाउद्दीन की खानकाह में गुजर गया, लेकिन उसे कुछ खाने को नहीं मिला। और कीजिएगा उसे कुछ लुकमा शाही लुकमा पेट भरने के लिए कोई खाना उनकी खानकाह में नहीं मिला। लौट आया, मुल्तान से लौट आया, दिल्ली आया तो ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की बारगाह नाज में आया, तो जैसे बैठा और सही उनके पास एक तख्त आया, खाना आया, लजीज लजीज और उमदा पकवान सामने रखे गए, हैरत हुआ वो जो शख्स का हैरत हुआ, उसने कहा सुना तो था कि वली में कोई झगड़ा नहीं होता, वली जो है एक ही तालीम पर गामजन रहते हैं, वली की एक ही उनका रास्ता है, लेकिन वहाँ गए कई रोज वहाँ रहा, वहाँ खाना नहीं मिला, लेकिन आपकी बारगाह में आए हैं तो खाना फौरन मिल गया। यानी कि एक वली का दूसरे वली में इख्तलाफ है, उसको यही लगा, उसको यही मालूम हुआ, उसने पूछा हजरत निजामुद्दीन औलिया आप ये तो बताएं, आप अल्लाह के वली हैं, मुखालबे बारगाह यस्तानी है, लेकिन हम बाबा बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी की खानकाह गए, कई रोज मेरा वहाँ क़याम रहा, लेकिन वहाँ हमको खाने को कुछ भी नहीं मिला।
हैरत हुई, लेकिन जब हम आपकी खानकाह में आए हैं, आपने हमारे लिए खाने को दस्तरखान बिछा दिया। माजरा समझ में नहीं आता है, हदीस के खिलाफ है ये कि जब कोई इंसान किसी इंसान की या मेहमान जाए और उसे पानी भी ना पूछा जाए, तो हदीस के कौल के मुताबिक वो निजामुद्दीन औलिया उस इंसान को जवाब क्या दे रहे हैं, उस जवाब को सुनिए और रश से कीजिए। कैसे बुजुर्ग थे वो, कैसे ख्वाजा थे वो, कैसे निजामे दिल्ली थे वो, जो आज तक दिल्ली की निजाम दिल्ली की कमान आपके हाथों में। हजरत ने क्या फरमाया, बड़ा बारीक समझता है। हजरत ने फरमाया, ऐ शख्स, बाबा बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी के यहाँ तुम गए, तुम्हें कुछ भी खाने को नहीं मिला, और कीजिएगा, तुम्हें कुछ भी खाने को नहीं मिला। ये एक वली अपनी खाकसारी को बयान कर रहा है और दूसरे वली की अजमत को बता रहा है। देखिए, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया फरमान रहे हैं अपने उस शख्स पे के, ऐ शख्स, मुल्तान गए बाबा बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी की खानकाह, वहाँ कुछ भी नहीं मिला। वजह ये वो विलायत के ऊंचे मकाम पर है, वो विलायत के ऊंचे मकाम पर है, वहां जो जाता है अब वहां कोई जाहिरी लुकमा नहीं मिलता, अब तो वहां जो जाएगा उसे बातनी लुकमा खिलाया जाता है, क्योंकि वहां वो लोग ऊंचे मकाम के हैं, बातिन वाले हैं, इसलिए बातनी लुकमा खिलाया जाता है। और हम जो है जाहिरी आदमी है, मामूली सी आदमी है, हमें क्या मालूम, इल्म से वास्ता हमारा तो नहीं है, इसलिए हम जाहिरी लोग हैं, हम बातिनी लुकमा नहीं खिलाते, इसलिए हमने तुम्हें जाहिरी लुकमा खिलाया। और जरा सोच लीजिए कि सोचने का मकाम है कि ख्वाजा निजाम क्या उस वक्त बातिनी मकाम पर फायद नहीं थे, बिल्कुल थे, लेकिन वहां पर अपनी शख्सियत को गिराना था, दूसरे की शख्सियत को बढ़ाना था, किरदार जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का किरदार है। ऐसे वलियों ने इस्लाम फैलाया है साहेब, न जाने किस किस तरीके की बात, जब ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की बात आई है तो एक बात और हजरत अमीर अबू अल्ला अपने वालिद की जानिब से हुसैनी सादात, अपने वालिद की जानिब से हुसैनी सादात और वालिदा की जानिब से सिद्दीकी है, सिद्दीकी है। हजरत अबू बकर सिद्दीक तक आपका सिलसिले वास्ता पहुंचा, नो डाउट, तो कंट्रोडिक्शन। लेकिन एक सवाल है, अलमिया है, आपके नाम के आगे अहराबी क्यों लग गया है, अहराबी लगाने की वजह क्या, क्या कि अहराब कोई जगह है, अहराब कोई सिलसिला है, अहराबी क्यों लगता है? अबू लाई लगता है, मानते हैं नक्शबंदी, मानते हैं सिलसिला है, चिश्तिया, कादरिया, परवरदिया, बौद्धिया, सब सिलसिला है, लेकिन अहराबी की वजह तस्मिया क्या है? सदा पहले इस तस्मियों को समझने से पहले समझ लीजिए कि ख्वाजा निजामुद्दीन को औलिया क्यों कहते हैं, क्या जरूरत है इनके नाम के आगे औलिया को लगाने की, औलिया इनके साथ इनके नाम के साथ इल्हा क्यों है, मुत्तसिफ क्यों है, जमा क्यों है? कहते हैं ख्वाजा निजामुद्दीन को औलिया इसलिए, रिवायत है, कायदा है, तसव्वुफ का ये कायदा है, जब किसी वली में, जब किसी सूफी में, जब किसी अल्लाह के वली में तमाम वलियों की खुसूसियात आ जाए, तमाम वलियों की सिफात आ जाए, तमाम वलियों के कमालात आ जाए, तमाम वलियों के मकामात आ जाए, और जिस जगह वो तमाम वलियों के मकामात जमा हो जाए, जिस वली के बाद जमा हो जाए उसको वली नहीं बल्कि उसकी जमा औलिया कहते हैं।
मजनू चला के साजा निजामुद्दीन अवलिया जो है वो तमाम वलियों की सिफात के जाने हैं, तमाम वलियों की सिफात के पैदा साजा अमीर अबुल हबाब एहरारी के एहरारी की जो लफ्ज है ये जमा है, असल जो लफ्ज है वो फुर है, फुर फुर के माना में सूरज के आते चीज के आते बेमिस्र है तू है तेरे अंदाज निराले आयात के आते। देखिए फूल के माना खूबसूरती के आते हैं, वजीह के आते हैं, बेमिस्र के आते हैं, और फूल की जो जमा है वो अहलाली है, यानी मालूम चला कि जिस वली में तमाम वलियों की खूबसूरती जमा है उसी को कहते हैं अमीर अबुल उला अहलाली। तमाम वली आज से लेके बल्कि कायनात जब से है तब से उस जमाने तक जितने वली आए जिन जिन की जो खूबसूरती थी जिन जिन का जो कमाया जहां जमा सज्जाद रहमतुल्लाह तआला अलैह बारहवीं सदी के मकबूल जमाना बुजुर्ग आगरे में रहते थे, अकबराबाद उनका मस्कन था, उस जमाने में किस तरीके से सूफियों ने फैलाया है इस्लाम में बार बार इसी चीज का उदाहरण दे रहा हूँ। आज के जमाने के लोगों को जो ये कहते हैं कि इस्लाम जबर है, इस्लाम जोर जबरदस्ती की चीज नहीं, इस्लाम जो फैला है वलियों की अजमत की वजह से फैला है, नीचे हालात का साया है जो आज इस्लाम फैल रहा है। जरा देखिए मखदूम सज्जाद अबुल उलाई रहमतुल्लाह तआला अलैह की एक इखलास मंदाना रिवायत किसको कहते हैं, महल किसको कहते हैं, वो विला किसको कहते हैं, वफा किस चीज का नाम है। सब देखिए आखिरी उम्र है, कमजोर है नहीं ताकत है नहीं जान ही सकते हैं, आखिरी उम्र है हजरत शाह मोहम्मद सज्जाद रहमतुल्लाह तआला अलैह की। लेकिन एक वक्त आता है हकीमों ने कहा कि हुजूर ये जो आखिरी वक्त है ना आपका नजा की हालत है, आखिरी वक्त है ही आपका, जरा गौर कीजिएगा आखिरी वक्त ये आपका है, लेकिन इस वक्त में आपको किस चीज से परहेज करना है वो मैं आपको बता दूं। मिर्चे का कूचा आप ना खाएं, मिर्चे का कूचा आपको नहीं खाना है, बेसन की रोटी आपको नहीं खाना, हकीम ने लगा दिया आपको ये दो चीज नहीं खानी है, क्योंकि अगर आप खाओगे तो शायद आपकी जान जा आखिरी के सुपुर्द हो जाए, मत खाना ये चीज। हकीम ने कह दिया आखिरी उम्र हजरत ने कहा ठीक है। हकीम सुबह में हजरत को ताकीद किया और ताकीद के बाद चले आए, चले आए। जब हकीम शाम में पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद हकीम ने देखा कि हजरत मिर्चे का आचार और कुचा और बेसन की रोटी तनावुल फरमा रहे हैं। हकीम तो ताज्जुब हुआ कि हजरत को हमने कहा था कि अगर जान प्यारी है तो ये चीज मत खाइएगा, ये देखिए इस वक्त आपने यही चीज को खा ली है। हजरत का जवाब क्या था मालूम है, उस जवाब के लश्क दीजिए, वो जवाब क्या था हजरत ने फरमाया कि अच्छा हकीम साहब अल्लाह की दी हुई जान उसकी बारगाह में फिर से दे देना तो मुझको मंजूर है, अल्लाह की दी हुई जान मुझको उसी बारगाह में फिर से दे देना तो मंजूर है, लेकिन मुझसे ये मंजूर नहीं कि किसी इंसान का मेरी वजह से दिल टूटी जाए। गौर कर रहे हैं आप, कहने लगे कि मिर्चे का आचार और कुचा बेसन की रोटी खाने की वजह ये है कि एक शख्स बड़ी मन्नतों से बड़ी ख्वाहिशों से मेरे लिए बना करके लाया था और कहने लगा कि आप खाओगे तो बताओ मैं उसको मना कैसे कर सकता हूँ। लिहाजा इस तरह
तरीके से इस्लाम फैला है, हमको बार बार कहेंगे और चाहते वक्त भी यही कह के जाएंगे कि आबाद रहे आगरा ता हश्र इलाही, आबाद रहे आगरा ता हश्र इलाही, अकबर है यहाँ चल बगर अनवार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मोहम्मद रिजान साहब अब्रुलाई का जो बारगाह है हुजूर सैयद अमीर अब्दुल्लाह ने नजराने के पेश कर रहे थे और आप समाप्त करवा रहे थे। हजरात सदर जलसा